अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, हमारे यहाँ शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। आज पहला काम हो रहा है, तो हमने बोला आज हम सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे। सुबह भी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट हमारा व्लॉग आज यहाँ से हो रहा है, नाइट से। तो अभी हमारे पहला काम शुरू हुआ है। मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखे हैं प्रेस करने के लिए, और मेरे मियाँ जी कलर लगा रहे हैं मेरे बालों में। ज़िंदगी में पहली बार ये कलर लगा रहे हैं बालों में, और वो भी अपनी बेगम के लगा रहे हैं। तो डर लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, और कल हमारे घर में है माइयो। तो हमारे यहाँ अभी रात के तकरीबन 10-11 बज रहे हैं, और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कल की, और बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपको पता था कि शादी में मुलाकात होगी, अब और बीच में कुछ ऐसा था नहीं कि आप लोगों को दिखाएं। तो ये देख लें, इन्होंने काम में लगा दिया है गाइस। बाकी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई है, मज़ा आ गया शॉपिंग में। अभी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अब कुछ नया जो होता जाएगा शादी की तैयारियों में, वो हम आपको दिखाते जाएंगे अपने साथ साथ। और स्टार्ट आज हमारा यहाँ से है, हमने आपको बता दिया। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करी, करेंगे वो कल करेंगे हम। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, कलर लग जाए आपको दिखाती हूँ मेरे मियाँ जी क्या तीर मारने वाले मेरे बालों में। सो गाइज, मेरे बालों में कलर लग चुका है, आधे बालों में, और आधे बालों में अभी लग रहा है। ये देखिए, अयाज ने आधे बाल लगा के खेचर लगा दिया है मोड़ के, और अभी आधे बालों में ये देखें बाकी का कलर लग रहा है। और कैसा लग रहा है कलर आपको, कौन सा कलर है ये धुलने के बाद ही नजर आएगा। वैसे तो खाली मैंने बस ऐसी कलर लगाया है, बाकी कोई इतना खास शेड नहीं आने वाला। बाकी मेरे मियाँ जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे सर पे। एक घंटा हो गया है लगते हुए कलर को, और मेरे ये छोटू बाबा हमारे पास ही लेटे हुए, और बस कुछ टाइम का इंतज़ार और है आप लोगों को। फिर हम लोग कल का दिन भी दिखाएंगे, और फिर रात की इवेंट भी हम आपको दिखाएंगे हम लोग क्या पहनने वाले हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्त सा ड्रेस बनाया है, और हम सब ने बहुत अच्छी मैचिंग करी है, बहुत अच्छी तैयारी करी है। और आप लोग स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे। सो गाइज, मेरा कलर कम्प्लीट हो गया है, टाइम भी पूरा हो गया था, तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं। अभी फिलहाल गीले हो रहे हैं, इसलिए कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो बहुत प्यारा कलर आएगा। वैसे मैंने लाइटिंग मार के देखी, कलर बहुत प्यारा आया है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं, ये कपड़े भी रखे हुए हैं मैंने प्रेस करने हैं अभी कपड़े, और अभी ऊपर भी जाना है, ढोलकी चल रही है ऊपर, तो अभी ढोलकी में भी गाने वाने गाने जाना है। पता नहीं वो मोमेंट आपको दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन फिलहाल अभी ढोलकी में जाना है। 4 बजे तक तो डांस ढोलकी चलती रहती है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर कुछ नया करेंगे तो आपको दिखाएंगे लाजमी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद है हमें। आपने रात में भी देखा, हमने कलर वगैरह काफ़ी लेट हो गए थे, हम लोग 4-5 बजे सोए हैं, और अभी गलती मुझसे हो गई थी, मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे थे, तो मैं अभी जल्दी सोती हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस करूँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी, फिर इन लोगों को उठाऊँगी। सासू माँ है मेरे साथ, सासू माँ उठ गई है, वो मेरी हेल्प करवा रही है। तो अभी चलते जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं, फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। सासू माँ आटा गूंथ रही है, और ज़ियान मोबाइल चलाने लग गए थे सुबह अपने साथ ही, और अब ये कपड़े पड़े हैं, जल्दी से मैं प्रेस कर लूँ। सो व्यूअर्स, देखें पीछे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, अब जल्दी से हम लोग नाश्ता बनाने खड़े हो रहे हैं। तो सासू माँ ने आटा गूंथ लिया था, मैं जल्दी से पराठे बना रही हूँ, हम लोग पराठे बनाएंगे, फिर थोड़ा वो सालन रखा अंडे वंडे तल के हम लोग नाश्ता करेंगे। हम लोग आपको नाश्ता करते हुए भी मिलते हैं, फिर मैं अयाज से भी मिलवाती हूँ, अयाज की मॉर्निंग करवाते हैं, और बस नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद सो करेंगे, आपको दिखाते जाएंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट जाना है, कुछ एक दो चीज़ें लेकर आनी है मुझे, तो मार्केट भी आपको साथ लेके चलेंगे। आज व्लॉग बना रहे हैं तो आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, और बाकी जुड़े रहिएगा, बहुत मज़े आने वाला है, हम लोग रात में बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। सबको नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन ये कि पार्टी बहुत अच्छी आपको दिखाऊंगी मैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने नाश्ता शुरू कर दिया है, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और ये देखिए मैंने पराठे हैं, सालन है, दो तीन तरह के अंडे तले, चाय बनाई है, और जल्दी से अब नाश्ता करके अभी फिर हमें मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। आ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, आ जाओ जल्दी से। नहाएंगे बाल, वैसे आपके सही हो जाएंगे, पर आज जब तैयार तो मैं जा रहा हूँ लोगों को लेके, वापसी आके मिलता हूँ। सो व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने देखा था कि मैं
बच्चे बाल कटवाने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा पानी गर्म कर दूँ, बच्चों को नहला दूँ। तो पानी गर्म हो चुका था, बच्चे आए अचानक से, तो मैं पानी डालने के लिए गई वो पतीला गर्म करके। मैंने पतीला जैसे ही उठाया और बाथरूम में गुसलखाने में गई मैं, और पतीला डालने लगी मैं, पतीला मुड़ा और सारा खौलता हुआ पानी मेरे पाँव के ऊपर। ये देखिए गाइस मेरा पाँव कितना सूज रहा है, मोटा हो गया मेरा पाँव और जल गया। आयाज ने टूथपेस्ट लगाया है, ये देखें ये हाफ जला है यहाँ से और ये फुल जला है। तो देखें यार मेरे साथ ये सीन हो गया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सैंडल कैसे पहनूंगी। आज माइयों हैं घर में, मैं नहाई भी नहीं, अभी टूथपेस्ट लगा और बहुत शदीद मुझे जलन हो रही है। आयाज ने टूथपेस्ट लगाया और कह रहा है बिल्कुल बैठी रहो, तो मैं हिलना नहीं है यहाँ से, तो मैं बैठी हुई हूँ। और उनकी दादी ने बच्चों को नहलाया, बड़े वाले को आयाज ने नहलाया, छोटे वाले को उनकी दादी ने नहलाया। और अभी तक कुछ काम भी नहीं करा मैंने, मुझे मार्केट भी जाना था। देखें एक पाँव पे गर्म पानी गिरने से इतना सारा काम रुक गया, लेकिन मैं बस है हिम्मत, अल्लाह का शुक्र इतनी है कि मैं आगे कर लूँगी काम। बाकी अब मिलते हैं आगे, देखें क्या करती हूँ अब। आई हूँ मैं अपनी चूड़ियाँ लेने, मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट आऊँगी चूड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं आ गई हूँ और मेरी चूड़ियाँ बन रही हैं। ये शनील की चूड़ियाँ ले रही हूँ मैं, और हमारे ये फरहान भाई बना रहे हैं चूड़ियाँ। सो व्यूअर्स आ गई, मैं आईब्रो भी बन गई है और मैं अपनी ये नेल पॉलिश और अंगूठियाँ वगैरह सब लेकर आई हूँ, चूड़ियाँ ले ली मैंने और अभी घर पर आई हूँ। बहुत मुश्किल से चल रही हूँ, पाँव में बहुत शदीद जलन हो रही है और ये आ गए और ये खाना खाने में लगे हुए। तो अभी थोड़ी देर में मैं पार्लर के लिए निकलूंगी, अजलान को साथ लेके जाऊंगी, काशान आयाज और जियान घर पे ही तैयार होंगे, वो तो खैर पार्लर जा नहीं सकते, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस मैं पार्लर में आ गई और मेरी ड्रेस की स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया है और अभी मेकअप स्टार्ट होने वाला है। ये देखें मैं आ चुकी हूँ और ये मेकअप स्टार्ट होने वाला है, बाकी अभी हेयर स्टाइल बनेगा और मेकअप शुरू होगा। अजलान मेरे साथ आए हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, मैं रेडी हो गई हूँ और आप देखें मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा ड्रेस। देखिए माइयों मैंने ये ड्रेस बनवाया था और मैं आपको सही से दिखाती हूँ। तो बहरहाल देख लें आप मेरा ड्रेस और मेरा हेयर स्टाइल भी देखें आप, कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस हम लोग आ गए हैं जैसे कि आपको कहा था और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो अभी पहुँचा हूँ तो काफ़ी देर से आई हुई है और मोबाइल मेरे पास है तो मोबाइल बनाया नहीं उन्होंने, तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या। मैंने अपने पिक्चर्स भी नहीं ली इनके चक्कर में, मोबाइल घर पे लेके बैठे हुए थे। सो गाइस देखा आपने काफ़ी हद तक मज़ा आ रहा है और इससे तो आप और आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप लोग देखते रहते हैं उसकी वीडियोस और टिकटॉक पे, स्नैप पे, यूट्यूब पे, हर जगह वो छाया हुआ है। तो आपके सामने गाइस पेश है अजैनुद्दीन। और अजैन कैसा है? बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अभी डांस कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, देखते हैं आज भाई को कैसे कैसे करते हैं डांस। हाँ तो आप कुछ बोलोगे? आज भाई मैं भी हूँ साथ में भाभी भाभी बोलो आप बोलो। हमारे साथ मून भी है, इबाद भाई भी आया। तो मून भाई ने बोला है तुम्हें मैं दिखाता हूँ कैसी आरामी चीज़ करता हूँ। हाँ तो मिल गया, अभी काम करेंगे हम सब। गाइज अभी मैंने एक निकाह पढ़ा चुका हूँ और अब दूसरा निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप सुने इकरम अयाज सिंह से, अयाज आपका निकाह अयाज अली से होना करार पाया है, 50,000 रकम मसलूक जिसके सब घोड़े और 50 खेमों के साथ आपके निकाह कबूल है, आपके निकाह कबूल है, आपके निकाह कबूल है भाई, कबूल है भाई, दोबारा तलवारें नहीं दी
हो चुका है, हमने खाना खा लिया है और अभी मैं आपको एक और मशहूर शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ। और गाइज उसके मिलवाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपने उसको सबसे पहले बॉल टीवी में आप बहुत देखते होंगे, उसके अलावा उसकी वीडियोस बेहतरीन वीडियोस होती हैं और उन लोगों को देख के शुरू किया टिकटॉक में, वरना तो कोई शौक ही नहीं था हमें यहाँ लाने वाले स्पीड में वही लोग हैं। तो गाइज आपके सामने वन एंड ओनली शहजराज। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं एक बात पहले बता दूं, मैं लाने वाला नहीं हूँ, ये हमारी फील्ड का बुजुर्ग डांसर है, मुझे बोल रहा है लाने वाला, ये मुझसे ज्यादा टिकटॉक फील्ड है ना, टिकटॉक मतलब सोशल मीडिया में, ये कह सकते हैं कि टिकटॉक पे जो है वो ट्रेंड पे आने वाले जो है ना हमारे साथ साथ में देखे ही हैं। लेकिन भाई जान बहुत मेहनती बनता है यार। चलो क्या हो रहा है, खाना वाना खा लिया? इनकी बीवी भी मेहनती है साथ में थोड़ी बहुत, क्योंकि एडिटिंग वगैरह सारी यही देखता है ना और यही बताता है करेक्टर भी आपको, मुझे इतना भी कमेंट्स में बताएं कि एक्टिंग ज्यादा मायने रखती है ना? नहीं वैसे यार डायरेक्शन ज्यादा मायने रखती है। चले फिर मिलते हैं गाइस, अभी बहुत फन होने वाला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला आप इसको और अभी एक शेज का डांस भी देखेंगे हम। अच्छा ठीक है, ओके। तो गाइस शेज आया है और शेज के फैंस की भीड़ लग गई शेज के पास। नहीं यार सो गाइज हमारा इवेंट ख़त्म हो चुका है और आपको और दिखाते हैं रेखे कुर्सियाँ समेट रही है, लेकिन हम लोग नहीं गए, क्यों? क्योंकि सामान लेके जाना है और मुझे नहीं इन्हें हाँ। तो गाइज हम व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने, आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल बारात वलीमा, ये भी इवेंट हम आपको दिखाएंगे और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।